नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। फ्री कोरोना वैक्सीन के इस वादे पर बवाल हो गया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव वाले राज्य में फ्री वैक्सीन का वादा बाकी राज्यों से भेदभाव है। जब इस बयान पर चौतरफा हमला हुआ तो अब केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने सफाई दी है। प्रताप सारंगी ने रविवार को दावा किया कि देश के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री दी जाएगी। हालांकि सारंगी ने भी ये दावा एक चुनावी मीटिंग के बाद किया है। ओडिशा के बालासोर में 3 नवंबर को उपचुनाव है। सारंगी रविवार को इसी सिलसिले में मीटिंग लेने वहां पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री उपलब्ध करवाने का ऐलान कर चुके हैं। हर आदमी के वैक्सीनेशन पर करीब 500 रुपये खर्च आएगा। इससे पहले दिन में उड़ीसा सरकार में मंत्री आरपी स्वैन ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी पर हमला बोलते हुए कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराने के संबंध में जवाब मांगा था, जिसके बाद सारंगी ने यह दावा किया है कि देश में कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिहार में कोरोना वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराने के वादे पर तंज कसा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि क्या दूसरे राज्यों के लोग बांग्लादेश या कजाकिस्तान से आए हैं। हालांकि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम और पुंडीचेरी में पहले ही कह चुके हैं कि वे अपने लोगों को वैक्सीन फ्री देंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे देश के लिए फ्री वैक्सीन की मांग उठा चुके हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।